Good morning, dear students. Today we will study Unit 4. This is your lesson 7. Here is the poem Rain. So first of all, we will recite this poem. So let's begin. Let's recite the poem. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. So this is the poem written by Robert Louis Stevenson. Okay. तो अब हम लोग इसकी हिंदी मीनिंग को देखेंगे तो रेन जो है बारिश बारिश का मौसम आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है तो बारिश का मौसम में क्या होता है द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड बारिश के मौसम में जो बारिश होती है वो चारों ओर होती है हमारे चारों ओर के वातावरण में बारिश होती है ठीक है हम जहाँ रहते हैं वहाँ हर जगह बारिश होती है इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री ये बारिश जो है मैदान पे भी गिरती है और पेड़ों पे भी गिरती है इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर या जो आदमी छाता लेकर बाहर निकलते हैं बारिश में उनके छाता पे भी बारिश होती है एंड ऑन द शिप्स एट सी और जो जहाज समुद्र में तैरते हैं उन पर भी बारिश होती है ठीक है सो ये छोटा सा पोयम है आपको ये पोयम होमवर्क में लर्न करना है ठीक है अब हम आते हैं इसके न्यू वर्ड्स पे तो इसमें पहला न्यू वर्ड है फील्ड फील्ड का मतलब होता है मैदान सेकेंड है अम्ब्रेलास अम्ब्रेलास का मतलब होता है छाते और थर्ड है शिप्स शिप्स का मतलब होता है जहाज फिर जहाजे ठीक है सो आप ये फिगर भी बना सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे तो ठीक है ये लड़की है छाता है और ये बारिश है तो इसका फिगर आप ड्रॉ करेंगे और ये पोयम लिखेंगे इस तरह से अच्छा अच्छी राइटिंग में ठीक है इसको और इसको बनाकर रख लेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स